सौ पायलट। इसकी सीटिंग ऑब्वियसली सबसे हाई है, सीटिंग वेरी हाई है। तो इसको स्क्रूज के साथ तुम स्क्रीन को ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके अंदर ब्लूटूथ भी है, आई होप आप ब्लूटूथ के गाने सुन सकते हो, बट आई डोंट नो इसमें नेविगेशन एवरीथिंग है। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेस्ट टू हैव योर फोन माउंटेड एंड देन गेट नेविगेशन एंड एवरीथिंग एल्स, बट जो है सो है, इट्स ओके। सो थिंग इज की लेट्स गेट द स्टार्टिंग। तो इन तीनों में ये सब इसका सबसे रिफाइंड थ्रॉटल है, बिकॉज इसका पूरा पर्पज थ्रॉटल रिस्पॉन्स और काफ़ी चीज़ों को देख के बना होगा। बिकॉज देर इज, जैसे मैंने आपको आई थिंक स्क्रैम्बलर की वीडियो जिसने देखी है, तो हम उसमें एक गिली मिट्टी में एक कीचड़ में फंस गए थे, तो वहाँ से निकलने के लिए यू नीड वेरी हाई सेंसिटिव थ्रॉटल इनपुट्स, सो दैट आप ट्रैक्शन मीन्स यू नीड टू बी वन विद द टायर एंड एवरीथिंग। और इसके टायर भी ऑफ रोड वाले नहीं है, तो बहुत मुश्किल से वहाँ से निकले। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस दिस एंड दिस, दिस हैज द मोस्ट सेंसिटिव थ्रॉटल। तो इट्स नॉट थ्रोटी, इट्स नॉट फोकस्ड ऑन हम्प, इट्स फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी एंड फंक्शन। बिकॉज ये लोग बाइक लेते हैं, ये लुक्स के लिए नहीं लेते हैं, ये लोगों को शो ऑफ करने के लिए नहीं लेते हैं, ये सिर्फ इसलिए लेते हैं कि जब हम लेह लद्दाख वगैरह जाएँ तो हम कहीं रस्ते में फंसे ना। तो इसका पर्पज़ क्या है कि आप बहुत कंफर्टेबली बहुत दूर तक जा पाओ, आप खराब से खराब रस्तों से आराम से निकल पाओ और कहीं पर फंसो ना, और इसके अंदर मैक्सिमम सामान आप मतलब आ जाए। दैट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ दिस बाइक। सो इट्स, शहर में ये बाइक चलाने वालों का थोड़ा सा मजाक भी उड़ा दिया जाता है, बिकॉज ये बाइक लेह लद्दाख में अच्छा लगता है या ऑफ रोड टेरेन में अच्छा लगता है। बट इसको पीछे करना आगे करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। आई थिंक इट्स क्वाइट लाइट ऑन इट्स फीट, जितना ये दिखने में लगता है उससे काफ़ी हल्का है, और दैट डज नॉट मीन कि स्टडी नहीं है। इसमें फ्यूल मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट लेट्स सी। सो ऑफ रोड रेन, अच्छा सो इन बाइक्स में मोड्स भी हैं, क्या बात है, मुझे पता नहीं था। पता नहीं क्या कर दिए दुनिया में, मोड मोड लड़ाई जाते हैं सारी चीज़ें ना आजकल एमएचओएस के लिए बन गई है कि यार हम सब कुछ सेटिंग करके दे देंगे। टेस्ला तो कहते गाड़ी में वहीं चलाऊंगा। ऑफ रोड एंड रेन, सारे नो ये मोड्स कहाँ से चेंज होंगे। ट्रिप ए ट्रिप बी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, आई डोंट नो व्हाट्स डी टी इज। सो इफ आई प्रेस एस, कुछ नहीं हो रहा। सो मोड्स की सेटिंग कहीं से नहीं चेंज हो रही, आर ओ नो कैसे होगी। कोई बात नहीं, ऑफ रोड रेन मोड है, इसी में चला लेते हैं, दैट्स द मेन प्लेस वहाँ जहाँ चला। अब ये ना बोले कि ऐप से चेंज होगा, तो इसके ऑब्वियसली फुटरेस्ट काफ़ी हाई है, विच इज़ द राइट थिंग। इसमें वही बात है कि अगर आप इससे चल रहे हो तो आप रुको ना, बस चल ही चलो, जहाँ रुक गए वहाँ गिरना भी आसान हो जाता, बिकॉज आप एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग नहीं ला पाते हो। सो आई सिट वेरी इनसाइड द बाइक इन दिस, ये काफ़ी मेरी तरफ है, मेरे पास है। इट्स द मोस्ट रिफाइंड ऑफ ऑल दी अदर यूएसडीज इवन जावाज, क्या बात है। लॉल, इट लुक्स, इट ड्राइव्स लाइक अ होंडा, द इंजन इन दिस वन ड्राइव्स लाइक अ होंडा। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुड इंजीनियरिंग, आप एक इंजन को कैसे अलग अलग नेचर्स की तरह बना सकते हो, दिस इज नॉट ऑल्सो ईजी। तो बड़े प्यार से चल रहा है, विद द नाइट थिंग, और इन्होंने जान के बनाया है, बिकॉज ये एक्चुअली वो बाइक है जो तुम 100-120 पे क्रूज करना चाहते हो। तो ऐसे बाइक बनाने सबसे मुश्किल होता है, बिकॉज उनको तुम्हें सारी नेचर देनी पड़ती है। सो वेरी कंफर्टेबल टू ड्राइव, आई नॉट ट्राई टू ड्राइव दिस रैश, बिकॉज दैट इज नॉट हाउ इट्स मेंट टू बी ड्रिवन। सो दिस इज मेंट टू बी ड्रिवन लाइक फुटपाथ चढ़ाया और टपाया और आपको पता भी नहीं लगा। इट वॉज सो कम्फर्टेबल, द जम्प इट सेल्फ, द इंजन इट सेल्फ, टोटली नॉन जर्की। स्क्रैम्बलर पर मेरी बैंड बज गई जब मैंने जंप मारी, और रोड सर पर मैंने सोचा भी नहीं जंप मारने की, बिकॉज इट वॉज सो प्लांटेड टू द ग्राउंड। सो दीज थ्री बाइक्स मैन, they are so good in whatever they are built for. I think they have done a great job. इसकी gear shifting बाकियों से smooth है, इसकी throttle बाकियों से smooth है, इसकी अंदर refinement सबसे ज़्यादा है। I literally feel like मैं एक Honda का सबसे refined engine bike चला रहा हूँ, तभी इतने मज़े से इतने प्यार से चलना आ रहा है। Wow man यार, this is so good. Means it's the most comfortable experience of all. और इसमें तुम्हें खड्डे घुटों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको पता है ये जो ऊंचे बाइक्स होते हैं, इनके इनको बनाने में सबसे ज़्यादा चैलेंज भी क्या है कि बिकॉज इनको तो हमें राइड हाइट भी ज़्यादा देनी पड़ती है, इनको ऊंचा बनाना पड़ता है, थोड़ा खराब टायरन से निकल जाए, एंड देन इनको हाईवे क्रूजर भी अच्छा बनाना पड़ता है। सो द राइड क्वालिटी हैज़ टू बी वेरी बैलेंस्ड, और जो एक्सपर्ट्स की भी है, तो इट्स लाइक दे नीड टू बी, सो दैट आप जब माउंटेंस पे कार्व कर रहे हो तो आपकी ऊंचे बाइक के कारण आपकी सस्पेंशन सॉफ्ट होने के कारण आप स्किड ना कर जाओ। ये ना हो कि आप जब कट काट रहे हो तो बहुत वैल्यू सा फील हो और वो कोई मिट्टी आई और स्किड कर गया। बिकॉज द स्टिफर द सस्पेंशन इज, उतना जम के आप उतना कॉर्नर कर पाओगे। द रीजन ट्रैक बाइक्स आर लाइक सो स्टिफ, एंड द सॉफ्ट द सस्पेंशन इज, उतना आप खराब सड़कें से कंफर्टेबली निकल सकते हो, बट देन
कॉर्नरिंग करते हुए स्किड होने का डर होता है. सो द सेम रीजन अप्लाइज इन कार्स एज वेल. सो बिकॉज इनको हाइट भी देनी होती है, जैसे SUVs की हाइट क्वालिटी सेट करना मुश्किल होता है, सिमिलरली इनकी भी, बिकॉज दी आर SUVs ऑफ बाइक्स, सो इनकी भी हाइट क्वालिटी सेट करना इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग काम. बट आई एम सो हैप्पी, दिस इज सच अ प्लेजरेबल बाइक टू ड्राइव. इसमें मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं उसको ज़्यादा रेव करूँ या पागल हो जाऊँ, बट आई नो दिस दैट इफ दिस विल गो टू 100 and 120 देर विल बी नो वाइब्रेशन. तो दिस इज रॉन्ग कट, बट आई वांट टेक दिस. ओके, सो वेरी लाइट, वेरी निम्बल, वेरी कम्फर्टेबल. सो देयर इज फुट रेस्ट, आप ऐसे रिलैक्स कर लो, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ दो, बट इसके अंदर बड़े बड़े फुट रेस्ट आते हैं, दूर रख सकते हो, बिकॉज थक जाते हो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे. आपका बम फ्लैट होता है, आपकी पीठ दुखती है, बट अगर आपकी पीठ सीधी है तो आपकी पूरे लॉन्ग डिस्टेंस, बिकॉज मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया कि मैंने 25 घंटे चंडीगढ़ से वडोदरा गुजरात गया हुआ, विच वॉज लाइक 1500 किलोमीटर ड्राइव, 1400-1500 किलोमीटर इन जस्ट फ्लैट 24 hours नॉन स्टॉप. सो आपका बम दुख सकता है, आपके हाथों और पैरों में थोड़ी थकावट हो सकती है, और अगर आपकी पीठ सीधी नहीं है तो आपका कहीं और ध्यान नहीं जाएगा, बिकॉज आपकी पीठ ही आपकी बैंड बजा देगी. तो जब मैं R15 पर रोहतांग गया था तो मेरे को काइंड ऑफ 6 महीने बैक पेन रही थी, बट अदर देन दैट दिस इज सो कम्फर्टेबल यार, सो कम्फर्टेबल. आई थिंक बिकॉज ऑफ इट्स ऑन द रेन मोड द थ्रॉटल रिस्पॉन्स मे बी अ लिटल मेलो डाउन मे बी, बिकॉज यू नो जैसे मैंने बताया कि रेन मोड के लिए ट्रैक्शन आपको सबसे कम चाहिए, बट दिस इज सो कम्फर्टेबल यार. एंड नाम उसके नोट कहाँ से चेंज होते हैं यार, ऑफ रोड रेन ही आ रहा है, ये बटन तक लग रहा है कुछ नहीं हो रहा है, बट दिस इज सो रिफाइंड, दिस इज एक्सट्रीमली रिफाइंड, मच मोर रिफाइंड देन एनी ऑफ द टू बाइक्स. ऐसा नहीं कि वो दोनों परेशान करते हैं, बट दिस इज सो ईजी टू ड्राइव. अब इसमें मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा रेस्ट लाने का, एंड लॉट ऑफ पीपल से कि तू रेस्ट लाता है. आई फील कि जब आप किसी जानवर के साथ, यू टेम एन एनिमल और यू टेम अ व्हीकल, इट्स अबाउट कि वो आपको कैसा फील कराता है, दैट हाउ यू वांट टू ड्राइव. सो दिस इज सो ईजी, सो ईजी. आई थिंक आई विल हैव टू टेक इट टू टेस्ट, एक बार फिर भी भगा के देख लेता है. अब ये देखो 6000 से 8000 RPM पे भी इट्स एक्सट्रीमली रिफाइंड. जो रोडस्टर और स्क्रैम्बलर नहीं है, दे आर मच मोर ऑन लोअर डाउन टॉर्क. So this is smooth over all over the rev range. We're like a very 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 good thing. यही वो बात होती क्रूजर की, क्या हाईवे पर जब 100 पे चल रहे हो और आपको 100 पे सारे क्रूज कर रहे हैं, बट आपको ओवरटेक करना है, तो आप बहुत ज़्यादा थ्रॉटल दे रहे हो और आपको इंजन बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा, बिकॉज सबसे ज़्यादा हाईवे माइल मंचर यही होने वाला है. आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्लेजरेबल ड्राइव. द ओनली थिंग मेरे को पता नहीं, ये वाला फॉर्म फैक्टर उतना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज आई डोंट फील मैचो इन दिस, यू नो आई एम मोर इन टू द रोडस्टर और नॉर्मल हार्ले जो प्राटो साउंड वाले होते हैं वैसे के बाइक्स, रादर देन दीज टूरर्स. मतलब आई वॉन्ट टू टूर, बट आई डोंट वॉन्ट टू लाइक टूरर डोंट लुक गुड टू मी. तो यहाँ से चढ़ाऊँ ना चढ़ाऊँ यहाँ पे फंस जाऊँगा, देर इज अ वेरी बिग प्रॉबिलिटी दैट मैं फंस जाऊँ, बिकॉज मेरे को अपने भी डर लग रहा है. आई थिंक आई एम नॉट रेडी टू ड्राइव दिस टूर. क्या बात, वो बुलेट वाले सर जा रहे हैं कट काटने की ट्राई कर रहे हैं, क्या बात है. उन्होंने कर लिया तो हम भी कर लेते हैं, यहीं से चढ़ा देते हम डायरेक्टली, हमारे बाइक और उनके बाइक में फ़ायदा तो होना चाहिए. बट एज आई टोल्ड, मैं बेचारा थोड़ा छोटा हूँ, फिर भी चढ़ा लिया, मेरे को पैरों का ही डर है. अब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर इतना बड़ा फिर भी नहीं लगा, यहाँ पे अगर मैं गिरा ना फिर मैं उठना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज मेरे पैर नहीं लगने वाले. बट एज थॉट यहाँ पे बाइक चलानी एक्चुअली बहुत इजी है एज कम्पेयर टू द स्क्रैम्बलर दैट आई ब्रॉट, बिकॉज उसके टायर्स इन चीज़ों के लिए नहीं बने. दिस इज़ वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन, सो दिस इज़ वेरी ईजी फॉर मी टू डू दिस. अब मैं इस पर खड़ा भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल ओला, अब तो ऐसे बड़ा ही मज़ा लग रहा है. ला ला दिस इज जस्ट अ वॉक इन द पार्क मैन. ओ तेरी 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 तेरी, ध्यान से ध्यान से ध्यान से. ओके, टू मच ऑफ कीचड़, बट स्टिल वी कैन डू थिंग्स. तो पॉइंट इसकी ग्रीनरी करके यहाँ पर पता नहीं चल रहा कितना खड्डा है. हम इस लॉक के ऊपर से भी निकल गए. अच्छा रिव्यू कर देता हूँ, वैसे मैं देखा है, क्या बात है, पूरा गीला कीचड़ा है, परफेक्ट टेरेन फॉर फुट काइंड ऑफ बाइक. ट्रैक्शन पकड़नी बहुत मुश्किल हो रही है, बट खड़े होकर पकड़ी जा रही है. क्या बात है, क्या बात है, थोड़ा डर भी लगता है. वो पत्थर नीचे वाले स्टैंड पे थोड़ा सा टच हुआ, बट अदर दैट क्या बात है. इस बाइक पे ऐसे टेरेन पे जाने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा. आई कैन गो अगेन, दिस इज मच मोर कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, एज लॉन्ग एज आई सी दैट व्हाट्स हैपनिंग डाउन द रोड. बिकॉज वैन इट्स कवर्ड विद ग्रास यू डोंट अंडरस्टैंड कि कितना डूंगा है कितना क्या है. इसी बात का डर था, पहले इसको बंद करो. आह आह
अब तक नीचे नहीं लगा। आओ कैसे बचाऊँ इसको, अब यही होता ना छोटे बंदों भी बड़ा भाई को ना। आई थिंक इसको प्यार से नीचे मिट्टी है, सब नुकसान नहीं होने वाला। आओ आई थिंक लेट द गोप्रो स्टे ऑन, लेट दिस ऑल्सो बी अ गुड वीडियो। प्यार से पैर पीछे लेके आया, अपने माइंड को कन्फर्म करा कि भाई तेरे जूते गए, तेरे पैर गए, कोई बात नहीं पहले बाइक बचाओ। जितनी ग्रिप मिली खड़े होने की दलदल में बनाई, एंड देन ओह माय गॉड, सो लेट मी शो यू, दैट्स द वुडलैंड शू, वेंट इनटू द वुड्स। भाई प्रॉब्लम विद द बिग स्पाइक, ओह माय गॉड, आओ कोई बात नहीं, दैट्स ओके, लेट्स गेट बैक। अब ये पैर तैर आ रहे हैं, अंदर घस गए हैं इसके। आई एम बैक, ओके धीरे धीरे निकलो यहाँ से, टायर बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं। हो आई नीड टू गेट वार्म्ड अप, अभी मेरे को पहले साह ले लेना चाहिए। हाय अब ये तो यही ना, पैर भी नीचे लगने बड़े जरूरी हैं। यू शुड पिक द फाइट योर ओन साइज, सही कहते हैं, मैं तभी डर रहा था। बट चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है, ये बाइक इसके लिए भी बने हैं। यही से चलते हैं। अब सी क्या मजा निकलता है ये ऑफ रोड से, ओह इट्स सो गुड। सीधी सड़क पर जाने का मन ही नहीं करता, वहाँ से नहीं निकलेगी, लग जाएगी बाइक, बट दैट्स ओके। वही प्रॉब्लम है ना कि जब तक आपको टेरेन नहीं दिखता वहाँ नहीं घुसानी चाहिए। गुड थिंग इज सीट्स लाइट इवन फॉर, अब मुझे लग रहा है कि मैं गिट्ठा हूँ। इवन मोर संभल लाइक मी, आराम से रिवर्स हो जाता है। दे वर स्माइलिंग एट मी, बट दैट्स ओके। अभी भी मेरा मन कर रहा है मैं अंदर घुसा लूँ। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, दिस होल टेरेन इज सो इंटरेस्टिंग, आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस स्मॉल। आई थिंक फर्स्ट कोई ना शोरूम पहुँच के सा लेंगे। आई एम सो हैप्पी टू हैव दिस स्मॉल ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस विच आई नेवर इमेजिन। अब थोड़ा वेट करो टायरों को कीचड़ अपने ऊपर से उतारने के लिए। यू नो व्हेन यू राइड अ बाइक नीड टू बी वेरी सेंसिटिव। अब मुझे पता मेरे टायरों पर कीचड़ लगा हुआ, अगर मैं ट्रैक्शन पर जाके पंगा लेने की ट्राई करूँगा तो डेफिनेटली ट्रैक्शन नहीं पकड़ेगा, स्किड करेगा। टू द फैक्ट भी मेरे जूतों भी कीचड़ लगा, वो भी स्लिप कर रहा है। तो यू गॉट टू बी फुली अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग एंड वेयर इज इट हैपनिंग। आओ आओ, बट डेफिनेटली दिस बाइक इज अ बिग बिग गो राइड। मुझे नहीं पता हिमालयन का क्या सीन है, आई डोंट केयर। मैंने उसको थोड़ा सा चलाया हुआ वो भी शहर में, बट आई थिंक जितना मुझे अपना एक्सपीरियंस है यामाहा के बाइक्स पे रोहतांग जाने का या खराब रास्तों पे जाने का या ऑफ रोडिंग करने का, फ्रॉम द बाइक दैट आर नॉट बिल्ड फॉर इट, आई बिलीव कि इस बाइक पे आई फील सो मच मोर कॉन्फिडेंट इन डूइंग थिंग्स। सिर्फ पंगा लेना से नहीं हटता ना बंदा, क्या करे। वाह वाह वाह, लोग कहते हैं एक बार गिर गया अकल आ जानी चाहिए। अकल आने का मतलब ये नहीं होता कि तुम वहाँ पर लेके जाना बाइक बंद कर दो, अकल आने का मतलब होता कि एक बार गिर के सीखो कैसे गिरे हो और अगली बार ना गिरो। दैट्स व्हाट लाइफ इज, वंस यू गेट अप, वंस यू फॉल डाउन यू गेट अप, यू लर्न हाउ नॉट टू फॉल डाउन। कितना उड़ रहा मेरे ऊपर पूरा पूरा, आई ओह माय गॉड मैन, so much fun, so much fun, I really love this short stupid off-roading experience and this bike is such a great bike for this, such a great bike, it's so refined, so refined, so refined. I would love to do cross city tours, cross country tours, cross state tours or whatever. I don't think cross city is a word, but for any long distance I would love to do this. For all those people
जिनको गाड़ी समझ नहीं आती है बाइक चलाने का मन करता है, आई थिंक दिस इज द वन यू शुड गेट, एंड इट्स जस्ट 9-2 lakh एक्स शोरूम ऑलमोस्ट. आई थिंक इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट बाइक, परफेक्ट बाइक फॉर दैट स्मूथ एक्सपीरियंस ऑल डे लॉन्ग. मज़ा आ गया. बैक टू माई व्हीकल, अंदर कीचड़ लेके जाऊँगा मैं गाड़ी में. ओ माई गॉड, सच अ गुड थिंग. तो मैं अभी इनको खुद नहीं बताऊँगा कि मैं गिर गया हूँ, ये वीडियो पे देख लेंगे. अभी मैं खुद बताऊँगा तो इनको एंग्जाइटी हो जाएगी, हाय लगी तो नहीं, ये तो नहीं हो गया बाइक ना, मेरी मेरे लिए नहीं बाइक के लिए ऑब्वियसली. बट देन इफ दे सीन द वीडियो दे सी एग्जैक्ट थिंग कि एक्चुअली कुछ नहीं हुआ होगा, कि कहीं नहीं लगी होगी. इट्स जस्ट कीचड़ विद इट ऑन माई फीट एज वेल. हाँ, मजेदार एक्सपीरियंस.